नमस्कार मित्रों, शॉर्टकट इंडियन न्यूज चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं पांच आंखों की आर्थिक संधि के बारे में। ये पांच आंखों की संधि आखिरकार है क्या, और इस कोरोना की आर्थिक मंदी में ये पांच आंखों की संधि आखिरकार क्या करना चाहती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने आपके स्क्रीन पर लगा रखा है कि कितने लोग बीमार हो चुके हैं अभी कोरोना से, और कितने लोगों की डेथ हुई है, और कितने लोग रिकवर हुए हैं। तो रिकवर की संख्या काफ़ी कम दिख रही है, और 4,14,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं इस कोरोना के वजह से, और इसी वजह से काफ़ी बड़ी आर्थिक मंदी आ गई है पूरे विश्व में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस आर्थिक मंदी का एक सबसे बड़ा कारण है ये कोरोना वायरस, और उसका मेन कारण है चाइना। तो ये रहा आपके स्क्रीन के सामने ये पांच आंखें हैं जिन्होंने ये आर्थिक संधि पैक्ट, जिसको कह सकते हैं इकोनॉमिक पैक्ट, बनाने का प्लान किया है। और जैसे कि आप इन आंखों को देख पा रहे होंगे, इनके झंडे भी आप देख पा रहे होंगे। अगर आपको लगता है कि आप बता सकते हैं मुझे ये पांच देश कौन से हैं, मतलब फाइव आईज कौन है, तो आप बताइए मुझे, मैं देखता हूँ आप बता पाते हैं। आपको मैं मौका देता हूँ कि आप वीडियो को रोक कर स्टॉप द वीडियो एंड कमेंट डाउन देयर, मतलब मेरे वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए अगर आपको इन झंडों की पहचान हो पा रही है। जैसा कि ये झंडे कुछ कुछ एक जैसे ही दिख रहे हैं, लेकिन हाँ, इन झंडों का एक जैसे होने का भी काफ़ी कारण है। ठीक है ठीक है, मैं आपको, आप पॉज कर लीजिए अभी, ठीक है, उसके बाद आप नीचे कमेंट कर दीजिए। चलिए मैं अभी आप पॉज करके, अगर आपने कमेंट कर दिया तो अच्छी बात है, वरना फिर मैं नीचे जाता हूँ, मतलब सेकंड सेक्शन पे जाता हूँ। हालांकि ये आंखें देख के कुछ यूट्यूबर्स जो हैं वो लोग इस आंख को इल्यूमिनाटी की आंखें भी कहते हैं, क्योंकि ये सारे देश ऐसे देश हैं जो काफ़ी कुछ मतलब इस तरीके की चीज़ें करते हैं। तो मतलब आप जानते ही हैं इल्यूमिनाटी, काफ़ी अगर आप सर्च करेंगे गूगल पे या फिर यूट्यूब पे काफ़ी सारे वीडियो आपको मिलेंगे। हालांकि मुझे नहीं लगता ये आँख इल्यूमिनाटी की आँख वाली बात है, क्योंकि ये आँखें हैं बहुत बड़ी सुपर पावर्स की। ठीक है, तो ठीक है, मैं आपको आप आके लेके जाता हूँ, जिसमें आपको बताता हूँ ये कौन सी कंट्रीज थी। आई थिंक आपने नाम लिख दिए होंगे सारे, आप लोगों को पता है तो अच्छी बात है। फाइव आई कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स। तो मैंने इन सभी कंट्रियों के नाम लिखे हैं, लेकिन रेड में लिखा है मैंने यूनाइटेड किंगडम का नाम। क्यों लिखा है, इसका कारण मैं बता देता हूँ। ये बाकी की सारी कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड और यूनाइटेड स्टेट्स, ये सब बसाई गई हैं आखिरकार मेरे को, क्योंकि जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसमें बताया, मतलब मुझे पता है कि ये बाकी की जितनी भी कंट्रीज हैं वो सब बसाई हैं यूनाइटेड किंगडम में। अगर आप यकीन नहीं करेंगे तो मैं आपको और आगे भी बताऊंगा कि किस तरह से इन्होंने बसाई हैं। देखिए आपकी स्क्रीन के सामने है ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया को देखकर आपको क्या लगता है, ये बताइए मुझे। ऑस्ट्रेलिया को देखकर ही आपको समझ में आ गया होगा ये किस तरह से प्लॉट, जैसे प्लॉट करते हैं ना, उस तरह से प्लॉटों को काटा गया है। देखिए एक बिल्कुल सीधी लाइन, यहाँ से सीधी लाइन, ये एक चौकट्टा बना दिया है, यहाँ एक चौकट्टा बना दिया, यहाँ एक चौकट्टा, मतलब एक तरीके से पूरी जो बसाहट की गई है स्टेट्स में, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थर्न टेरिटरी, साउथ ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड, ये सभी चीज़ें इस तरह से बसाई गई हैं जैसे कि प्लॉट्स काटे गए हैं। तो आप समझ सकते हैं किसने करा है ये, अपने यूनाइटेड किंगडम ने करा है। सेम आप अगर दूसरी कंट्रीज, अमेरिका को तो पूरी तरीके से प्लॉटिंग सिस्टम के तहत ही काटा गया है। देखिए बिल्कुल एकदम स्ट्रेट लाइन 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 लाइन। तो हालांकि आप समझ सकते हैं कि ये कंट्रीज जो हैं, सॉरी हाँ, ये कंट्रीज जो हैं वो क्या है अल्टीमेटली, किस तरह से बसाई गई हैं और किसके द्वारा बसाई गई हैं, यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। ठीक है, तो हालांकि ये बात नहीं है, लेकिन ये कंट्री का पैक्ट क्यों है, ये कंट्री काफ़ी पहले से ये चीज़ें करती आ रही हैं। इनका मेन कार्य पहले तो इंटेलिजेंस शेयर करना था, लेकिन अब इन्होंने एक प्लान किया है, क्योंकि ये आर्थिक महाशक्तियाँ भी हैं। आर्थिक महाशक्ति मतलब इनका काफ़ी अच्छी इकोनॉमी है, तो ये चाह रहे हैं कि अब जो चाइना है उसको आर्थिक नुकसान पहुँचाया जाए। ठीक है, तो मैं जस्ट आपको बस दिखा रहा था कि किस तरह से बसाया गया है। इसमें इनके जो नेटिव लोग हैं, जो नेटिव इंडियंस कहे जाते हैं, ठीक है, अमेरिकन इंडियंस बोलते हैं अब उनको, तो बहुत मतलब छोटी मोटी जगहों पे बसा दिया गया है, बाकी जगहों पे तो यही लोग रहते हैं, इंग्लैंड के लोग। तो बसा ये इसलिए कहते हैं ये अमेरिका जो है इमिग्रेंट्स का देश है, ऑस्ट्रेलिया भी ऐसा ही है समझ लीजिए। ठीक है ठीक
ठीक है, बाकी कंट्रीज के भी बारे में देखिए, कनाडा भी देखिए, बिल्कुल एकदम स्टेट स्टेट। आपने इंडिया का कोई स्टेट देखा है जो स्ट्रेट लाइन से कटा हो? नहीं। मध्य प्रदेश देखिए, बिल्कुल एकदम हार्ट जैसा लगता है, अलग ही, मतलब सभी राज्य एक अलग ही अलग तरीके से शेप्स हैं। लेकिन जितने भी देश अमेरिका और सॉरी यूनाइटेड किंगडम ने बसाए, वो बिल्कुल प्लॉटिंग सिस्टम के तहत ही बसाए लगते हैं मुझे, ठीक है। और ये बड़ी बड़ी कंट्रीज है, सभी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज है, सभी ऑलमोस्ट क्रिश्चियनिटी सपोर्टेड कंट्री है, तो ये देख सकते हैं। न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड को थोड़ा सा मुझे लगा है कि हल्का सा इसमें, क्योंकि ये बहुत ही छोटा सा, मैंने इसको काफ़ी बड़ा कर दिया एक्चुअली में, ये बहुत छोटा सा देश है, ठीक है, तो ये कारण है। तो अभी ये पांच आई कंट्रीज जो मैंने आपको बताई हैं, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड, इन पांच कंट्रियों का क्या प्लान है ये मेरे को आपको बताना है, ठीक है। तो मेन कारण यही था कि मैं आपको बताना चाह रहा था कि FII, ठीक है, तो ये कंट्रियों का क्या प्लान है और क्या करना चाहते हैं ये लोग। पहले इनका काम क्या था, पहले ऑलमोस्ट ये काम करते थे इंटेलिजेंस शेयर करने का, जो भी इंफॉर्मेशन आ रहा है, कोई भी टेररिज्म से रिलेटेड या किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन शेयर करना है, ज़्यादातर ये लोग काफ़ी इंफॉर्मेशन शेयर करके एक दूसरे को सिक्योरिटी भी देते थे और काफ़ी कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी देते हैं। और बाकी का अभी, लेकिन अभी इनका मेन प्लान क्या है, अब इनका मेन प्लान है कि इकोनॉमी को कैसे ठीक किया जाए और चाइना को कैसे सबक सिखाया जाए। ये एक अच्छी बात है, क्योंकि जिसके वजह से हमको नुकसान हो रहा है, पूरे वर्ल्ड को नुकसान हो रहा है, उसको सबक सिखाना जरूरी है। और चाइना जो है काफ़ी कुछ अपना रौब देखा दिखा के लोगों को डराता है, बाकी कंट्रीज छोटी मोटी कंट्रीज हैं उनको तो डराता ही रहता है, उनको या तो अपने साइड कर लेता है या फिर जो कंट्री उसकी बात नहीं मानते उनको वो काफ़ी कुछ मतलब परेशान करता ही है, ये तो बात सच है, ठीक है। तो जितने भी ये कंट्रीज हैं FII, वो तो मैंने बता ही दिया आपको, इंग्लिश स्पीकिंग है और ये बहुत पावरफुल कंट्रीज हैं इकोनॉमी के मामले में, काफ़ी अच्छी बड़ी बड़ी, अगर कनाडा और अमेरिका को देखा जाए तो बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर्स हैं और इनकी काफ़ी सारी कंपनियां, एक्चुअल में क्या है कि इनकी काफ़ी सारी कंपनीज जो हैं वो चाइना के अंदर स्थापित है। जैसे कि आप आईफोन का ही उदाहरण ले लीजिए, सिस्को वगैरह, ये सभी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो चाइना में बहुत बड़े बड़े इनके सेंटर्स स्थापित किए गए हैं। हाँ, और FII का मैं एक बात और आपको बता देता हूँ कि FII जो है वो किसी की नहीं सुनता। कहता है ना कि जब इन्होंने एक बार ठान लिया तो ये अपनी भी नहीं सुनते, ठीक है। तो उसी तरीके से इनका काम है, ये अपने प्रेसिडेंट की भी नहीं सुनते, ओबामा आ जाए या ट्रंप आ जाए, कोई भी आ जाए, ये नहीं सुनते। ये बहुत ही मतलब इंडिपेंडेंटली और नॉन अकाउंटेबल काम करते हैं, बिल्कुल मतलब किसी भी देश में घुस के किसी भी तरीके से काम कर सकते हैं, किसी भी देश का कोई सा भी डेटा चुरा सकते हैं, किसी की भी बात सुन सकते हैं, आपकी भी बात और मेरी भी बात सुन सकते हैं। इस तरह की इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी है ये FII की, ठीक है। ये तो मैं आपको बस बताना चाह रहा था। अब जो ये करने चाह रहे हैं, इकोनॉमिक इकोनॉमिक तौर पे चाइना को किस तरह से डिग्रेड करेंगे, ये आप देख लेना आने वाले दौर में किस तरह से होने वाला है। हालांकि चाइना, मैं मानता हूँ कि काफ़ी इकोनॉमिक पावरफुल हो गया है, उसका मेन कारण है, देखिए मैंने आपको लास्ट वाले वीडियो में बताया था कि जो चाइना की इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बिकॉज ऑफ उन्होंने सबको जॉब दिया। इसीलिए मैंने आपको एक लास्ट वाला वीडियो बनाया था, जो 15 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे बना सकते हैं, 15 ट्रिलियन इकोनॉमी बन सकती है अगर अपन जॉब्स को ज़्यादा से ज़्यादा दें, सभी को जॉब्स दें, सभी को रिसोर्स के तौर पे यूज़ करें, कोई भी किसी को भी ऐसा नहीं सोचेंगे जॉब नहीं, सबको जॉब करना है, सबको काम करना है, ठीक है ना। तो इसी वजह से मेन टास्क है जॉब करेंगे सब लोग, सब लोग GDP में हिस्सा बनेंगे। और GDP का हिस्सा क्या होता है, अरे रोड भी बनता है ना अपनी गली का, तो वो अगर उस गली के अंदर सभी लोग जॉब करने वाले होंगे ना, रोड अपने आप तैयार हो जाएगा। ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन उनके टैक्स से जितना पैसा जनरेट होगा उससे भी तैयार हो जाएगा। तो वो काफ़ी बड़ी मतलब डिस्कशन है, उसके बारे में कभी अपन बाद में बात करेंगे, लेकिन मेन होता है जॉब्स। तो चाइना इस मामले में बहुत आगे है कि सभी लोगों को वो जॉब्स देता है, ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स देता है, ठीक है। तो चाइना में आपने देखा होगा कि अभी जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम अमेरिका कह रहा है चाइना में क्या है, चाइना में हाँ उइगर का मुद्दा उठा रहा है, ठीक है। बाकी ये सारी FII कंट्रीज भी ये मुद्दे को उठाएंगी और बहुत जोर शोर से उठाएंगी, इसका सही है, अच्छी बात है, उठाना चाहिए, जिससे कि चाइना जो है दबाव में है। लेकिन चाइना
चाइना को इस बारे में मैं मान गया कि जॉब्स देने में और जॉब्स को जबरदस्ती देने में, एक्चुअल में वहाँ पर जो उइगर लोग हैं, उइगर लोग कैसे हैं कि जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये ये लोग जॉब्स वगैरह नहीं करते वहाँ पर, काफ़ी कम जॉब्स करते हैं। अल्टीमेटली मैं कहूँगा कि वो इनको वोकेशनल कोर्स दे रहा है, ठीक है। हालांकि सभी जगह इंफॉर्मेशन आया है, कोई डिटेंशन, उसको उन्होंने डिटेंशन कैंप का नाम दे दिया है अमेरिका ने, लेकिन हालांकि उनको वोकेशनल कोर्स फोर्सफुली दिया जा रहा है, या जैसा भी दिया जा रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन बताया जा रहा है कि वोकेशनल कोर्स में डाला जाता है और फिर उनसे जबरदस्ती कहा जाता है कि जॉब्स में जाओ और इस तरीके से काम करो। वो किसी को फ्री में बैठ के नहीं खिलाता है, सिंपल सा उसने बोल दिया, सबको जॉब करना पड़ेगा, सबको काम करना पड़ेगा। और ये उइगर लोग हैं, उन्होंने कहा हम तो बस चिकन खाएंगे, मटन खाएंगे, बस सो जाएंगे, तो उस तरीके से नहीं चलता। उसी की वजह से चाइना ने क्या किया, इन सबको वोकेशनल कोर्स में फोर्सफुली डाल के जॉब्स देने का प्लान किया, लेकिन अमेरिका ने इसको एक गलत ढंग से दिखा रहा है। लेकिन अच्छी बात है, अपन को क्या है, अपन को तो भैया चाइना से बदला लेना है, तो ये करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो चल रहा है, तो चलने दीजिए, सभी सभी चीज़ें जा रही हैं, ठीक है। तो बाकी तो चीज़ें आपको समझ में आई गई हैं कि चाइना को किस तरह से डिग्रेड करेंगे अभी F5I, और बहुत अच्छे से करेंगे, और बहुत मज़ा आने वाला है इसमें, क्योंकि हमें तो टेंशन लेना नहीं है, क्योंकि हम तो इनकी फ्रेंडली कंट्रीज हैं। क्योंकि इनका सबसे अच्छा प्लान क्या है, अभी मैं आपको प्लान्स बता देता हूँ। प्लान ऑफ 5I, सबसे पहले तो इकोनॉमिक टाई करना है। इकोनॉमिक टाई का मतलब क्या है, सबको एक साथ जुड़ के इकोनॉमी को बढ़ाना है, और जितनी भी कंपनीज हैं इनकी, दूसरा पहला पॉइंट इनका इकोनॉमिक टाई, मतलब सबको एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे की कंपनीज की शेयर करेंगे। जैसे कि मान लीजिए अपने इंडिया के अंदर TCS है, तो TCS अपनी शायद अमेरिका के अंदर स्थापित ऑलरेडी है वैसे तो, ठीक है। मतलब मैं बता रहा हूँ इस तरीके से काफ़ी सारी जो 5I की बात कर रहा हूँ अभी मैं, ठीक है ना। इनका 5I का होगा, इनकी फ्रेंडली कंट्रीज के साथ भी करेंगे, जैसे कि इंडिया भी है उसमें, जापान भी है, साउथ कोरिया भी है, और जापान वगैरह, ये सारी कंट्रीज 5I में आती है, नॉट 5I में आती है, 5I में तो वो 5 ही कंट्री है, लेकिन ये एक फ्रेंडली कंट्रीज है, ठीक है। तो और दूसरा प्लान क्या है, चाइना से जितनी भी कंपनीज हैं इन 5 आईज की, वो सबको निकाल के या तो अपने फ्रेंडली कंट्रीज में शिफ्ट कराना, या फिर अपनी ही कंट्रीज में शिफ्ट कराना है, इनका प्लान है। ये दूसरा, ये तीसरा प्लान है आखिरकार, दूसरा प्लान है, और कंपनीज को सेटअप कराना है, इनका तीसरा प्लान है। कहाँ पर सेटअप कराएंगे, हालांकि अभी हमारा बात चल रहा था, बोल रहे थे 1,000 कंपनीज आ रही हैं इंडिया के अंदर, अगर आ जाती तो बहुत अच्छी बात होती, लेकिन आई थिंक आ जाएगी मेरे को लग रहा है, लेकिन वो फिलीपींस वगैरह में जा रही हैं ऐसा कुछ सुनने में आया, लेकिन थोड़ा सा टेंशन वाली बात है, ठीक है। उसके लिए गवर्नमेंट को अपना करना पड़ेगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर भी देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के, बिना इलेक्ट्रिसिटी के आप किसी भी शहर में आपको जगह देने से नहीं होता है, क्योंकि हमारे काफ़ी सारी चीज़ें वो बाद में बात करेंगे। बोला भी गया था कि लग्जमबर्ग से बराबर जमीन इन कंपनीज को दी जा रही है, लेकिन अभी उसका मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला उसके बारे में। अगर जैसे ही मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है उसके बारे में भी मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा, लेकिन अभी अपन बात करते हैं ये 5 आईज जो करने वाली हैं, उनका प्लान तो अपन को समझ में आ गया, ठीक है। चाइना की अच्छे से बैंड बजाना है। अब चलते हैं इनकी प्रॉब्लम्स क्या है, इनकी प्रॉब्लम्स भी है एक्चुअल में। ये 5 आई कंट्रीज हैं, वो पूरी तरह से डिपेंडेंट हैं चाइना के ऊपर, चाइनीज मटेरियल्स के ऊपर, चाइनीज इवन जो बॉल पॉइंट होता है ना, पेन से अपन लिखते हैं, वो तक चाइना पे डिपेंडेंट है ये। मतलब इनके यहाँ है ही नहीं उस तरह के फैक्ट्रीज वगैरह, नहीं है उस तरह के इंडस्ट्रीज, नहीं है फार्मेसी, मतलब जितनी भी दवाइयों का बात करते हैं अपन, इंडिया भी बहुत बड़ा API के मामले में, इंडिया मतलब पूरी तरह से चाइना पे डिपेंडेंट है ऐसा बोला गया अभी तक। और इंडिया अभी हालांकि मैंने सुना है कि 10,000 करोड़ रुपए इस API इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए भारत सरकार ने, मोदी जी ने दिए हैं, तो अच्छी बात है, वो होता है तो और अच्छी बात होगी। लेकिन अभी तक देखिए बाकी कंट्रीज का भी आप देख लीजिए, जो ऑस्ट्रेलिया, मैंने इसमें ये एक्चुअल में संख्या लिखी है, जो जो प्रोडक्ट है, जैसे कि बॉल पॉइंट मान लीजिए, एक फार्मेसी के बहुत सारे प्रोडक्ट हो सकते हैं, गार्लिक, मतलब सोचिए, मतलब गार्लिक खाने के लिए, गार्लिक को हिंदी में क्या बोलते हैं, गार्लिक को बोलते हैं लहसुन, हाँ लहसुन तक के लिए ऑस्ट्रेलिया को डिपेंड रहना पड़ रहा है चाइना के ऊपर,
न्यूजीलैंड 513 दूसरे नंबर पे आता है। इतने सारे प्रोडक्ट ये एक्चुअल में डिपेंडेंट है। अब ये डिपेंडेंसी खत्म करना चाहते हैं चाइना से, एटलीस्ट आई थिंक फ्रेंडली कंट्री अपन इंडिया हो सकते हैं। गार्लिक तो हमारे यहाँ उगता है लेकिन हम ही लोग खा जाते हैं, लेकिन हम लोग सेल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम ट्राई करेंगे इस चीज़ के लिए। बाकी सारी चीज़ें ट्राई कर सकते हैं तो ये भी ट्राई कर सकते हैं। तो न्यूजीलैंड काफ़ी कुछ न्यूजीलैंड भी डिपेंडेंट है 513 प्रोडक्ट्स के लिए, अमेरिका भी 414, कनाडा 367, यूनाइटेड किंगडम 229 प्रोडक्ट के लिए, और इंडिया के बारे में मैंने बस लिख दिया इधर। इंडिया के बारे में मैंने प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन में ट्राई कर रहा था लेकिन मुझे मिला नहीं, लेकिन मेरे को ये पता चला कि 53 से 56 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट है। मतलब हम उनको जितना प्रोडक्ट सेल करते हैं आई थिंक 12-13 बिलियन डॉलर का सेल करते हैं, और 70-80 मतलब समथिंग का वो हमें बेचते हैं, यानी कि हम इम्पोर्ट करते हैं। तो अल्टीमेटली जो डेफिसिट है वो 56 से 53 में आ रहा है बिलियन डॉलर में। तो इस तरह से इंडिया भी, हम भी काफ़ी डिपेंडेंट है। इसका रीज़न है वहाँ पर सब लोगों को जॉब्स हैं, मैंने पहले ही आपको बोला। देखिए मैंने अभी भी इंडिया में ये ऑप्शन है कि इंडिया, अपन इंडिया में क्या कर सकते हैं, सब लोगों को जॉब्स प्रोवाइड करना एक सबसे बड़ा जिम्मेदारी होता है गवर्नमेंट का। अब लोग बोलेंगे कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है। देखिए कोई भी अगर चीज़ को अगर स्थापित नहीं कर पा रही है ना प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको गवर्नमेंट को थोड़े टाइम के लिए आना ही पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि अब रेलवे है, रेलवे नहीं था कोई भी, तो इंडिया की गवर्नमेंट ने उसको बनाया, अभी स्थापित हो गया है, अभी वो प्राइवेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे ही पहले एयरलाइंस में आया था, अब एयरलाइंस बहुत सारी हो गई, सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। गवर्नमेंट की भी एक जिम्मेदारी है ना, गवर्नमेंट को भी तो आके कुछ करना है, कि सबके पास पैसा ऐसा नहीं है ना कि एकदम से हाँ, हम करेंगे। तो गवर्नमेंट को, जैसे कि एपीआई इंडस्ट्री है, उसके लिए एक इंडस्ट्री बना दीजिए। एपीआई आपका कपड़ा मंत्रालय है, काफ़ी सारे सिल्क बोर्ड वगैरह ये सारी चीज़ें हैं, तो इस तरह से एक एपीआई बोर्ड बना दीजिए, उसके लिए इंडस्ट्रीज स्थापित कीजिए, लोगों को जॉब्स पहले शुरुआत में मिलेगा, फिर उसको मतलब वही डिसइन्वेस्टमेंट कर दीजिए। सिंपल सा लॉजिक है, थोड़े टाइम के लिए तो स्थापित करना पड़ेगा। गवर्नमेंट को अपने पैसे से स्थापित करके, देखिए गवर्नमेंट एक बार स्टार्ट कर देगी उसको, फिर डिसइन्वेस्टमेंट कर दे, बहुत से लोग बाय कर लेंगे, रिलायंस वाला भी आके बाय कर लेगा। लेकिन रिलायंस वाला स्टार्टिंग में आके पैसा लगाने से सोचता है, क्योंकि पहले उनके ऑलरेडी बिजनेस चल रहा है जहाँ पर लॉस या प्रॉफिट चल रहा है उनका। उनका अभी पेट्रोल का इशू है, ठीक है, तो काफ़ी तरीके के ऑयल का इशू है। तो गवर्नमेंट को आके लोन मेला लगाने से अच्छा है कि इंडस्ट्री स्थापित कर दे, एक इंडस्ट्री लगा दे, उसके बाद डिसइन्वेस्टमेंट कर दे, 5 साल के लिए बोल दो कि हमारी तरफ से ये गवर्नमेंट सेक्टर चलेगा, उसके बाद डिसइन्वेस्टमेंट कर दे। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। लेकिन हो सकता है दूसरे भी प्लान हो, प्राइवेट को लाने से भी अच्छा है, प्राइवेट ले आइए प्राइवेट, लेकिन जब तक स्थापित नहीं हो रहा है, क्योंकि 10,000 करोड़ की बात बोल दी है, लेकिन 10,000 करोड़ कौन ले रहा है या कौन लोन लेके इस एपीआई को स्थापित करेगा, मैं तो अभी नहीं समझ पाया हूँ, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं, बाकी सारी चीज़ें तो आपके सामने ही है और आप ट्राई कर सकते हैं। बाकी अगर प्राइवेट सेक्टर अभी और आके ट्राई करे तो शायद सब अच्छा ही हो जाए, लेकिन हाँ ये 5 आया अच्छे से बैंड बजाएगा चाइना का, तो अच्छी बात है, क्योंकि कोरोना ने हमारी सबकी बैंड बजा दी है एक्चुअल में। तो अब चाइना को सबक सिखाने का वक्त आ गया है 5 आई के द्वारा। ये 5 आई कंट्रीज दे शुड वर्क ऑन दिस एक्चुअली इकोनॉमिक पैक्ट जो इन्होंने बोला है, तो मैं चाहूँगा कि इस इकोनॉमिक पैक्ट के ऊपर काम करें और जल्द से जल्द वहाँ से जितनी भी कंपनियाँ हैं वो निकाल के इंडिया के अंदर, नहीं तो मतलब थोड़ी बहुत तो दे दें इंडिया के अंदर, तो अच्छी बात होगी। लेकिन चाइना को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये 5 आई, और हम तो इनकी फ्रेंडली कंट्रीज हैं, तो हमें थोड़ा बहुत फ़ायदा मिलना ज़रूरी है, ठीक है। बाकी मैंने आपसे बोला कि इंडिया भी इसमें काफ़ी कुछ अपना पार्ट निभा सकता है विद द हेल्प ऑफ गिविंग, लाइक मतलब एपीआई इंडस्ट्री को स्टार्ट कर ले। खैर आपको भी पता है कि अभी जो दवाइयाँ हैं वो इंडिया के अंदर काफ़ी बनती हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री पूरी तरीके से कैप्चर कर लिया है इंडिया ने। इवन मैंने कभी काफ़ी चाइनीज कंपनीज देखी हैं जो इंडिया के अंदर काम कर रही हैं, जैसे कि हुआवे टेक्नोलॉजी, जिसका नाम आपने सुना होगा, काफ़ी बार आता है कि 5G टेक्नोलॉजी लेके आ रहा है। लेकिन आपको पता है कि जो हुआवे टेक्नोलॉजी, उसके सबसे बड़ा सेंटर, सॉफ्टवेयर सेंटर बेंगलोर के अंदर है, चेन्नई के अंदर है, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि वो चाइना भी सॉफ्टवेयर के लिए हम पे निर्भर है, तो इंडिया ने सॉफ्टवेयर में करके दिखा दिया है।
फार्मा में भी काफी करके दिखाया है। तभी अभी आपने सुना होगा ब्राजील के प्रधानमंत्री और अपने प्रधानमंत्री नहीं सॉरी प्रेसिडेंट होते हैं वहाँ के, तो ब्राजील के प्रेसिडेंट बोल्सोनारो और बाकी के अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो बोला ही था कि थैंक यू मोदी जी। तो इस तरह से अपन काफी कुछ यूज कर सकते हैं। अभी दो चीजों में तो अपन टॉप कर रहे हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर और फार्मा में। आई थिंक फार्मा को और भी इम्प्रूव किया जा सकता है क्योंकि एपीआई का अभी इशू है। एपीआई 67% समथिंग बता रहे थे, 62-67% अपन एपीआई अभी भी यूज करते हैं चाइना का। तो वो एक बहुत बड़ा एक अपने लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है एपीआई इंडस्ट्री को यहाँ पर स्थापित करने के लिए। तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ कि मतलब हम एपीआई इंडस्ट्री और बाकी की इंडस्ट्री को इंडिया के अंदर स्थापित कर पाए। मोबाइल इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, आई थिंक वो तो पूरी तरीके से चाइना कैप्चर कर ही चुका है। तो उस इंडस्ट्री को भी अगर धीरे धीरे हम मूव करें इंडिया के अंदर ही, तो आई थिंक उससे बहुत बेनिफिशियल होगा। और इसी नोट के साथ हम इस मुद्दे को ख़त्म करते हैं और फिर बात करेंगे नेक्स्ट मुद्दे पे जब भी बात आएगी। तो धन्यवाद, भारत माता की जय। बाय बाय।